तैमूर का है खाला, क्या ऑफिस चला गया। मुझे पूछे बगैर, मुझे मिले बगैर वो कैसे जा सकते हैं? हाँ उसका कुछ मूड ऑफ था। जाहिर सी बात है, मूड तो ऑफ होना ही है ना, जब कुंडी लगा लगा के घंटे भर पता नहीं कौन सी बातें हो रही थी कमरे में। क्या मतलब है तुम्हारा? माँ हूं मैं तैमूर की, क्या मेरा इतना भी राइट नहीं है कि मैं उससे कुछ पर्सनली बात कर लूं? मैं भी यही पूछने की कोशिश कर रही हूँ खाला, कैसी कौन सी बात थी जो मेरे बगैर हो रही थी? आप क्यों खाला से सास बनती जा रही हैं? आप तो मुझे कुछ बताती ही नहीं, किसी सिलसिले में मुझसे मशवरा नहीं लेती। मैं आपको बता रही हूँ खाला, अगर ऐसा चलता रहा तो मुझे तो लगेगा कि आप और तैमूर ना मेरे खिलाफ साजिशें करते हैं। मतलब क्या है तुम्हारा कहने का? मैं कोई तुम्हें मंसूबा साज औरत नजर आती हूँ जो किसी साजिश में मसरूफ रहती है? और मैं कुछ भी करूं तुम्हें क्यों बताऊं? यही बात कर करके तुमने मुझे आजिज कर दिया है। मेहर की बर्थडे से पहले तुम ताहरा को ले लेके घूमती रही बाहर, उसका हेयर स्टाइल चेंज हो गया, उसके हाथ में नया सेल फोन आ गया। मुझे बताया कुछ? तुम्हें इस घर में किसी चीज की पाबंदी है? कोई रोक टोक है? अनाया, मैंने तुम्हारी तैमूर से शादी करवा के तुम्हें एक गोल्डन चांस दिया है, तुम्हें चाहिए कि ये चांस अवेल करो। ये शॉपिंग, घूमना फिरना, ये मौज मस्ती छोड़ के अपने घर और शौहर पे तवज्जा दो ताकि उसे खुश रख सको। ऑलरेडी वो तुमसे नाखुश है, ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथ से निकल जाए। नाखुश नहीं है वो मुझसे, आप उनके कान भर रही हैं आजकल, है ना? कान भरे जा रहे थे मूर की यकीनन। ना समझ हो तुम, कुछ भी अपने पास से ज्यूम कर लेती हूँ। सोचो तो सही, मैं उसे तुम्हारे खिलाफ क्यों करूंगी? अनाया तुम मेरी भांजी हो, मैं उसको तुम्हारे खिलाफ हरगिज नहीं कर सकती। लड़की का क्या करूं? फिर नाराज होके चली गई।